इस बार उन और लोगों ने फिर स्पॉट से कर लिया स्काउट है। जा रहा है बगी लेके। मुझे अगर इस बार स्काउट नॉक हो गया तो फिर से मतलब चलो कोई नहीं, देखते हैं। और गाइस ये स्काउट ही आगे जा रहा है बिल्कुल। स्काउट एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे स्पॉट करने का कोई सीन ही नहीं है। ये भी स्ट्रैटेजी बना के आए, ये जो पिक्सेल की टीम है, कैसे स्पॉट करेंगे जब तक लोकेशन ही नहीं देंगे बता। ये देखो मतलब एग्जैक्टली यार कुछ मूवमेंट ही मूवमेंट नहीं ही कर नहीं रहे, है बैठे देखो। हुए कोई पीक भी नहीं कर रहा, टीपी भी लेके बैठे हुए, जैसे ही कोई व्हीकल वैसे ही नॉक करेंगे। मेरे को लग रहा है हिस्ट्री रिपीट होने वाली है लास्ट वाले मैचेस में जो हुआ था। स्काउट की बग्गी यहाँ पे फंसी है, शायद स्काउट ने वहां पे स्पॉट कर लिया है। हाँ बिल्कुल, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। पिक्सल एचबी को, तभी वो वहां पे टीपी पे लेके देख रहा है राइट हैंड साइड पे कोई है कि नहीं है। ओके, अभी तक दो टीमें मरी हैं एंड दोनों की दोनों टीम यहाँ पे नोवो पे कैसे भाई। गाइस धीरे धीरे एक एक स्टेप दे के आगे जा रहे हैं। लास्ट बार स्काउट सीधा अकेला गया था और उसी स्पीड में खत्म हो गया था एंड वही टीम है। अब ये भी बात बनती है कि रिवेंज की बात यहाँ पे आती है कि यहीं पे मारा था। अब स्काउट देखते हैं क्योंकि किस अगर देखो इनको अगर पता नहीं होता कि सेंस नहीं होता कि आगे प्लेयर हैं तो इतनी ध्यान से वो लोग देख देख के नहीं जाते आगे। इनको पता है आगे प्लेयर्स बैठे हुए इन लोगों के लिए, और धीरे 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 आगे वो लोग बढ़ रहे हैं। कहीं से एक प्लेयर स्पॉट हो, कहीं पे एक बार कोई प्लेयर नॉक हो एंड फिर ये स्काउट लोग वहाँ अपना काम पे करेंगे। ब्रिज के ऊपर जा चुका है थोड़ा एंड पिक्सेल रेड अगर स्पॉट हो। ओके शायद मुझे ऐसा लगता स्काउट अपना वही स्पॉट करा उन लोगों ने, और ये बेट करा था उन लोगों ने, और राका ओपी को नॉक करा एंड साथ ही साथ वहां पे एक प्लेयर आईएनडी का भी नॉक हुआ है। पीछे से भी उन लोगों ने स्प्रे करा, राका ओपी फजलर भी नॉक है। मैक्स सेटन यहाँ पे कैसे आया था? ओके, मैक्सिमस का स्क्वाड भी पीछे से आया था। मैक्स सेटन अकेला जा रहा था आगे, और वो लोग नोवो वाले ब्रिज से जाना चाहिए था उन लोगों को, बट इस बार ब्रिज कैंपिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग फाइट है ये वाली। ट्रांस भी यहाँ पे सामने से आ रही है, छोटी सी गलती करी यहाँ पे उसने और दो प्लेयर यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। एंड पिक्सल एचबी को भी नॉक करा यहाँ पे क्रेटोस ने, और फिनिश भी करेगा शायद। ट्रांस को मुझे तो लगता यहाँ है यहाँ पे पे अगर पिक्सल ट्रांस के पास नेड होगा। ओके खत्म। का स्क्वाड पूरा और खत्म है यहाँ यस पे, उसको गाइस रेव देने के लिए जा सकते हैं। एंड स्काउट जा रहे हैं, बट पीछे उसको पता होना चाहिए कि एक और स्क्वाड है ब्रिज कैंप, जो ब्रिज से जाने वाला है, जो एक पीछे मैक्सिमस का स्क्वाड है, सेटन जो नॉक होकर फिनिश हुआ था वही स्कॉट से फेलो गाइस टीम मेट्स। जो हमने देखा था नोवो में फाइट कर रहे थे एंड ओके एट द सेम आई टाइम अब थिंक पीछे से इनको मैक्सिमस का स्क्वाड यहां पे, देखते हैं कैसे वो लोग जाएंगे यहां से। सिर्फ दलजीत यहां पे जो कि उनकी टीम का स्नाइपर है, वो ही अभी पूरा नॉक होके फिनिश हुआ है। एंड जोन फिर से यहां पे रूइंस पे बना है इस बार थोड़ा। रुइंस, हाँ रुइंस को थोड़ा सा ज्यादा टारगेट करा है जोन ने इस बार। प्लस मेरे को लग रहा है आखिरी में भी हमें देखने को मिलेगी ओके ओपन यहाँ पे फाइट। स्काउट मतलब ओपन में वो उसके सामने आया पूरा स्क्वाड, अब उसको वो टीपी पे लेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। एंड अनफॉर्चुनेटली वो नीचे कूदा है और डैमेज लिया है थोड़ा सा उसने। ट्रांस को भी बता दिया होगा एंड क्रेटोस को भी पता होगा यहाँ पे मैक्सिमस का स्क्वाड है। मुझे ऐसा लग रहा है अब तो उनको तो पता ही है कि यहाँ पे प्लेयर्स है क्योंकि स्काउट स्पॉटेड था वहाँ पे ऊपर में लूट कर रहा था एंड मैक्स की टीम अब कवर लेके वहाँ सर्कल में भी उन्हें निकलना है। के सीएस का स्क्वाड यहाँ पे हाइड्रा के ऊपर स्प्रे कर रहा है, बट सिर्फ एक बुलेट लगी शायद से गॉड गिल को एंड भीष्मा को, बाकी अभी तो कुछ कोई फाइट देखने को नहीं मिल रही। हाइड्रा की ब्रोनसेस का भी टीम, स्क्वाड जा रहा है वहां पे ओपन फील्ड से। हाइड्रा अब की टीम स्काउट वहाँ पे सर्कल ले रही थी और मैक्स की टीम यहाँ पे निकल चुकी मैक्सिमस का है स्क्वाड यहाँ पे थोड़ा सा गलत डिसीजन लिया एंड स्काउट यहाँ पे स्प्रे कर रहा है, एक नॉक करा अपने और एंड स्काउट भी पूरा नॉक स्क्वाड खत्म। होगा। ओके स्काउट नहीं बच क्यों, गया, बच जाएगा। उसकी बूस्ट है यहाँ पे मेरे ख्याल से, वो बचा लेगा उसे। ओ एंड क्या बचा यहाँ पे। फॉर्चुनेटली आखिरी सेकंड में स्काउट यहाँ पे बचा है और ग्रोजा है यहाँ पे इस एयर ड्रॉप में। सो यहाँ पे ब्रॉलर्स की टीम दो प्लेयर नॉकडाउन है और भी किंग यहाँ पे नॉकडाउन करेगा। अब देखना ये होगा शायद फ्रॉस्ट बचा है, नोवा एंड डार्क नॉकडाउन हुआ था। फ्रॉस्ट एंड सांगवान दोनों बचे हुए हैं। यस ओआरबी के स्क्वाड ने यहाँ पे एक ही बारी में दो प्लेयर नॉक करे हैं। ये सिचुएशन थोड़ी अनकंट्रोलेबल है ओआरबी के लिए भी सेम टाइम। अब नाउ आई थिंक दे कैन पुश, वो व्हीकल बर्स्ट करके नोवा को फिनिश कर सकते हैं। डार्क तो थोड़ा नीचे ही चला गया है रिच के, तो उसको फिनिश करना पॉसिबल नहीं है, देखते अगर वहाँ हैं। पे यूएन ब्रिज पे अभी बात करें जो फाइट हुई थी। ओके यहाँ लेट्स सी ब्रॉलर्स के और दो प्लेयर्स कहाँ पे, फ्रॉस्ट एंड
सांगवान ओके ZFX का स्क्वाड यहाँ पे इजीली अपनी इविल जगह की बना के टीम भी बैठा हुआ है। है सर्कल में एंड ZFX की टीम यहाँ पे सर्कल में। ओके नोवा यहाँ पे खत्म गाइस एंड डार्क नॉक हुआ था, अब देखना ये होगा। ओके क्रॉस भी नॉक डाउन हुआ है। ORB का स्क्वाड यहाँ पे मल्टीपल टीम से फाइट ले रहे हो, ब्रॉस फ्रॉस्ट को भी नॉक करके फिनिश कर रहे हैं। बॉय डार्क डार्क बच एंड गया है, सांगवान यहाँ डार्क पे, एंड हाँ सागवान उसको रेव दे दिया था सांगवान ने। दो प्लेयर बचे हैं बस ब्रॉलर्स के विद जीरो वैसे टीम तो, किल्स। वैसे तो गाइस बात करें रैंक की तो पता ही है टॉप पे है, तो क्वालिफाई तो कर चुके हैं तो कोई सीन नहीं है, बस की स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हैं। और सोल की टीम दिखाई दे रही है वहां पे राइट चारों हैंड। प्लेयर जिंदा है वहां पे सोल के। सो आईएसओ का एक प्लेयर यहाँ पे उन लोगों ने फिनिश हुआ है उन लोगों का आईएसओ अभी, बस और ये बाकी सब आईएसओ के जिंदा ये है। वही 3 किल है जो गॉडल के 3 प्लेयर्स मारे थे इन्होंने एंड या और वो सर्कल में आ चुके। जोन आई एम और एक्सपेक्टिंग रुइंस की साइड पे बनेगा, या थोड़ा सा पार्ट है रुइंस का वहां पे, बाकी ओपन फील्ड बात है। करें सोल की तो सर्कल के बीचों बीच है वो एंड अभी विल्स की टीम देखो कार लेकर निकल रही है, सर्कल में जा रहे हैं देखो। सो बेस्ट चीज है यहाँ पे टूर्नामेंट में, सबसे पहले जहां पे भी फेस बन रहा है वहां पे आपको कोई भी कवर दिख रहा है जाओ वहां पे एंड अपना कवर बनाओ पहले, सबसे पहले, क्योंकि और कोई टीम अगर आपके पहले पहुंच गई तो जोन में कवर बनाना एंड फिर बाद में फाइट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ईविल की टीम यहाँ पे बिल्कुल वही कर रही है, अच्छा सा स्पॉट देखी गया वहां पे, वो लोग कवर बनाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें मेर्स की तो टीम एंडी के पास मेर्स नहीं है, स्काउट के पास शायद तो एनर्जी ड्रिंक थे बस उतना ही था। एंड यहाँ पे एयर ड्रॉप की बात करें तो MK14 8x स्कोप एंड Level 3 आर्मर और सोल की टीम है क्लोज में, टीम नंबर 5 भी है वैसे ड्रॉप के क्लोज में एंड ओके मेगा फाइनल बॉस यहाँ पे डाइड बाय फॉलिंग, देखते कहाँ से गिरा है वो, सांगवान ने कार नॉक से ही करा गिरा मेगा होगा फाइनल बॉस शायद, को। और कहाँ ओके से गिरेगा। आई थिंक क्रॉन्टन के घर पे कोई आया है। ओके तो मेगा लियो ने यहाँ पे सांगवान को नॉक करा है। ओके फॉलोइंग स्प्रे यहाँ पे दे रहा है सोल रॉनक, एलियट के प्लेयर दिखते हैं वहाँ पे और नॉक हुआ है वहाँ पे एलियट। ओके कार से उतरते हुए वो नॉक हुआ है, तो ओके ग्रेनेड यहाँ पे ये बहुत अच्छा सही ग्रेनेड है ये गया वाला रौनक का, शायद नाइस ग्रेनेड फ्रॉम और रौनक एलियट की स्ट्राइक पे हुआ है वहां पे। और गाइस यहाँ पे हैड्रा जोकर के पास, अरे अरे भाई पूरा 360 फाइट दिखा रहे हैं ये तो। और हैड्रा जोकर ने यहाँ पे कार ब्लास्ट करी थी और एलिफ की टीम पूरी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, लास्ट 11 टीम बची है, 38 अलाइव है एंड सारी जगह से प्लेयर्स ये सोच रहे हैं कि हम लोग जोन के अंदर पहुंच, टीम है उनके ऊपर और स्प्रे कर रही है, बहुत सारे व्हीकल्स आपको मूव करते हुए दिखेंगे इस जोन में। भाई 360 फाइट चल रही है चारों जगह पे, गोलियां बस गोलियां ही गोलियां। जिसने हेडफोन्स लगा रखे हो उनको पता है यस कि भाई सारी जगह से चल रही है, सराउंड साउंड ये का पता देखो चलेगा आप लोगों को। हर एक वेपन M24 चल रही है, K98 इवन दो की MK भी चल रही थी यहाँ पे, ये यहाँ देखो पे ईएस एग्जिस्टेंस को नॉक डाउन करे, स्कल का स्क्वाड यहाँ पे वो लोग रुकेंगे कवर बनाएंगे अपना। रौनक यहाँ पे स्प्रे करे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली स्प्रे कर रहे हैं कि शायद वहाँ पे कोई नॉक डाउन हो जाए। घातक ने यहाँ पे नॉक करा इवल के शार्को को, एट द सेम टाइम जेमटी को भी विद मिनी 14। सोल रौनक यहाँ पे अगर ये मार देता तो अगर वहाँ पे मार भी देता नॉक हो एजी तो जाता, हाँ लग जाती है उसको आराम से। शायद क्या पता गलती से हेड लग जाता, बॉडी होता तो 50% हेल्थ और पॉइंट यहाँ तो पे जाती कमिंग उसकी। सून के प्लेयर्स की हेल्थ कम है, एक की तो सीधा 1 HP है एंड जो और एक प्लेयर है उसकी हेल्थ कम है। और सोल रोनक यहाँ पे जा रहा है, सोल रोनक के पास M24 है गाइस, नहीं K98 है, K98 है यस एंड 7 फर्स्ट एड किट है उसके पास रोनक के पास गाइस। तो लूट की इनके पास कमी नहीं है, प्लस दो टीम गर्ल्स भी हैं अभी फाइनल सर्कल में, भी हमारे पास 32 इनके ओके अलावा सोल टीम के रोनक ने 28 वहाँ प्लेयर्स पे हैं। टोटल मैं भी 80 या कम से कम 100 एमओ तो लगा दिया था और अभी एमओ ले लिया है टीममेट के पास से। और सोल मोटल ने यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक डाउन करा है, स्कल का था वो प्लेयर एंड ORB के प्लेयर्स भी, ये लोग भी अच्छा कंपाउंड होल्ड कर रहे हैं, चारों प्लेयर जिंदा हैं इन लोग। जोन आई एम एक्सपेक्टिंग कि सोल के ऊपर ही बनेगा ये वाला। ओके सोल के ऊपर बना है ये वाला जोन फिर से, सोल प्लस एंड हेड्रा दो टीम है सर्कल में। सोल के पास सेंटर में है, प्लस उनके पास एक कंपाउंड भी है खेलने के लिए, सो अच्छी पोजीशन है उनकी, बात करें बस देखते कंपाउंड हैं। की तो एक ही कंपाउंड है जो सर्कल में और वो सोल के पास है, अब देखना होगा कि वो कितने टाइम तक होल्ड कर पाते हैं और क्या होता है। और यहाँ पे मेगा कान शायद स्पॉटेड है, ड्रिगर ने वहीं पे स्कोप करा था। मेगा शैडो था वो शायद, मेगा कान
ओके ये मेगा रहा मेगा शाडो है शाडो, और मेगा लेफ्ट हैंड शाडो था साइड वो, पे मेगा खान है बिल्कुल। या मेगा कान भी है वहां पे। हाँ ये रहा, और ये तीन प्लेयर है आई थिंक, और एक प्लेयर इनका कहाँ पे है, दो। स्प्लिट होके खेल रहे, पता नहीं कैसे मेगा और जो ये पहले मेगा फर्स्ट टाइम लियो खेल रहा ये था। रहा सामने, और मेगा लियो दो दो प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन करे, पियानो का एंड किंग ब्रो, किंग अभी लाइक भी लेजेंड, पिंग, जो किंग है वो अभी भी यहाँ पे लाइक बचने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो बट हो कि नहीं कौन पाएगा। बचाएगा वो उसको। शैडो यहाँ पे स्पॉटेड है और स्प्रे करा था हाइड्रा ट्रिगर ने, तो अब उसको जोन में भी मूव करना है। मेरे को नहीं लगता कुछ हो पाएगा, शैडो भी यहाँ पे नॉक होके पूरा फिनिश हो जाएगा जोन के डैमेज। फैक्ट ट्रिगर पहले ही कंफर्म कर देगा उसको, अपना किल कंफर्म करेगा वो। ओके यहाँ पे रिच का कवर है आईएसओ टीम जो है उनके पास। आईएसओ की टीम भी बहुत बढ़िया खेल रही है, कैटरीना को तूने देखा होगा तो, मतलब क्या एग्जैक्टली वो थ्रोएबल्स यूज करते हैं थोड़े बस अब। यूज कर रहे हैं, प्लस हाँ जोन को खेल अच्छा रहे, प्लस सेंटर में नहीं जा रहे बट पेरीमीटर से बहुत सही खेल रहे वो लोग। और ये रहा गाइस लियो, हम बात करते कहाँ पे अकेला, और जैसे ही इसकी बात करी दो प्लेयर नॉकडाउन करे थे, और सोल वाइपर ने यहाँ पे कमिंग सून का एक प्लेयर नॉकडाउन करा है। ओके खत्म करा वाइपर है। ब्रॉलर डार्क वहाँ पे नॉक हुआ है, सोल ओवेज नॉक हुआ वहाँ पे सीएस के स्क्वाड से। मॉर्टल ने यहाँ पे सीएस DY9 को नॉक करा, मॉर्टल ने सीएस वाइट को नॉक करा, सीएस वाइट को फिनिश सीएस करा मॉर्टल ने, मॉर्टल मॉर्टल ही चल रहा है किल फीड में, प्रिंटेंसाई को नॉक करा, एंड आई थिंक सीएस का पूरा स्क्वाड खत्म हो चुका है वहाँ पे। स्कल वाई ने दो प्लेयर नॉक करे, आईएनडी क्रेटोस और ओके आईएनडी ब्रास दो, था शायद। एक बॉडी और एक हेड पड़ा था शायद अलादीन को, और यहाँ पे जोकर ने स्टार्टिंग में जो दो गोलियां चला दी बिल्कुल सही लगी थी वो। एंड यहाँ पे आईएसओ के प्लेयर भी तीन, ओके एक प्लेयर शायद इनका खत्म है। ओके मेगा लियो है वहाँ पे। ओके सिदूरी क्या चाटा दिया है जोकर को, हाइड्रा जोकर को बिल्कुल एग्जैक्टली ठहर, और जोकर लाइक बचने का कोई चांस ही नहीं है। सर्कल भी स्टार्ट हो चुका है, अब देखना होगा। बिश्मा जा रहा है वैसे जोकर के पास, स्कल वाया सेवनटीन अपने अलाइव है अपने गाइस, स्क्वाड का अकेला बंदा बचा। और शायद ये अब माथे पड़ रहे, आईएसओ के स्क्वाड मार रहे हैं उसको, ओके खुद की भी अभी भी वो हेल्थ कम एक्सपोज्ड कर है। दी। खत्म, आईएसओ ओके सिक्योर है उसके स्कल एमपी फोर वाई से ने खत्म खुद करा। की हेल्थ कम कर दी थी, और फिर से एक गोली लगी और स्कल वाई गाइस खत्म। और पांच स्क्वाड बचे हुए हैं, सोल को अब थोड़ा सा मूव करना है जोन के अंदर। हाइड्रा के पास अच्छा एंगल है बिकॉज ओपन फील्ड है वहां पे, देखते हैं सोल को एंगल अंदर क्या, आने देते नहीं इवन अगर आने तू देते सोल को। देखेगा तो पूरा आधा सर्कल है उनके पास, उनके ना पीछे को ये अकेला लियो है वैसे देखेगा तो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कोई नहीं है, और राइट हैंड साइड से एक टीम आ रही है वैसे उनके क्लोज में, टीम नंबर सिक्स पता नहीं कौन सी है। ओके ओआर यहाँ पे हाइड्रा गॉट किल नॉकडाउन गाइस, एंड ओआर भी टीम है, ओआर भी वर्सेस हाइड्रा चल रहा है यहाँ पे। स्मोक की बात करें तो 8 स्मोक है भीष्मा के पास, और बहुत सही खेल रहे हो लोग ओआरबी के प्लेयर्स भी। एक थ्रोएबल्स यहाँ पे फेंकने चाहिए और वो लोग फेंक भी रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे डैमेज तो दे गई, नॉक करे ना करे, ग्रेनेड अच्छे फेंके हैं यहाँ पे ओआरबी लियो ने वहाँ पे, और बहुत प्यारा ग्रेनेड था यहाँ पे गॉड किल, फिर थोड़ा सा डैमेज और पड़ा था ये उसको। नेड सही गया तो खत्म हो सकता है, और 1 2 एंड शायद नहीं, थोड़ा सा डैमेज पड़ा है उसको बस, फिर हाँ से डैमेज पड़ा है। ओआरबी लियो का बहुत प्यारा ग्रेनेड था वो। अगर किल की बात करें तो 9 किल है ओआरबी टीम के पास, केडीन ऑलरेडी ऑलरेडी 9 किल्स, 4 किल यहाँ पे हाइड्रा के पास, गॉड किल को रेव मिल रहा है वहाँ पे। एंड सोल की टीम वहाँ पे जोन में आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड से, वहाँ पे आईएसओ का स्क्वाड भी जिंदा है। यहाँ पे सोल के चारों प्लेयर जिंदा है, ओआरबी के चारों प्लेयर जिंदा है, हाइड्रा के चारों प्लेयर जिंदा है, और जितना मुझे लग रहा है ये रोनक ने दिया था क्योंकि उसके पास कार 98 थी, और कार 98 का साउंड आया था राइट हैंड साइड से। ओके यहाँ पे मोर्टल ने गाइस नॉक डाउन करा है, ओआरबी आरजी गेमिंग को अब देखते हैं वो लोग पुश करेंगे नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो लेफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड से आईएसओ का स्क्वाड भी उनकी साइड पे मूव करें। ओआरबी नियो को बिल्कुल अच्छा सही था, अच्छा शॉट है, था रौनक ने, अच्छा शॉट है। ओके थोड़ा सा नीचे होता तो हेडशॉट होता वो वाला, तो इस यहां पे आईएसओ अलादीन को नॉक करें, सेम स्प्रे में यहां पे हाइड्रा ब्रिशवा ने दो को नॉक करें किंग को और आरजी गेमिंग को, घातक भी ओके नॉक किया सोल वहां मोटर ने पे वो दोनों किल ले लिए। विद दैट व्हीकल एक्सप्लोजन। हाँ और अगर वो भीष्मा वही स्प्रे कंटिन्यू करता वो व्हीकल को तो शायद वो दोनों किल भीष्मा को मिल जाते हैं। अगर किल की बात एग्जैक्टली करें तो 4 ही किल है, मतलब भीष्मा को एक भी किल नहीं मिला है, एंड डैमेज यहाँ पे ज्यादा रहेगा हाइड्रा का, बट कोई और ले रहे
उनके बिहाफ में नियो अकेला बचा है ओआरबी के लिए। अलादीन वहां पे नॉक हुआ हाइड्रा ट्रिगर के, हाइड्रा जोकर ने लियो को खत्म कराया जो लास्ट प्लेयर बचा था हाइड्रा जोकर ने। और गाइस यहां पे इसके पास 8 स्मोक है अभी भी एंड वो यूज करेगा यहां पे बिकॉज़ हाइड्रा तक अगर पहुंच अपन में ऐसे नहीं जा सकते वो लोग, स्मोक बॉल्स बना के जाना पड़ेगा उनको एंड आईएसओ थोड़ा सा यहां पे ये स्टेप्स चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा रिज के। अगर मुझे ऐसा लग रहा है मॉडल जिस साइड से जा रहा है उस साइड से अगर सोल की टीम जाती है तो ज्यादा फाइट देखने को नहीं मिलेगी उनको, क्योंकि अगर ओके राइट हैंड साइड से उन लोगों ने मूवमेंट कर दिया ओएस यहां पे स्ट्रेट इन गुड और बिश्मा को नॉक करा यहां पे सोल वाइपर ने, पीछे से कवर फायर आया था उसका, हाइड्रा जोकर भी यहां पे बहुत ओपन था एंड मॉर्टल ने उसको हाइड्रा जोकर नॉक डाउन और जोकर ने मॉर्टल को नॉक डाउन करा था। रौनक ने दो प्लेयर यहां पे झुका दिए हैं सोल ने, अब दो प्लेयर बचे हैं बस और दो प्लेयर निंजा ओके अलादीन और एक और प्लेयर निंजा शायद मूवमेंट कर रहे हैं राइट हैंड साइड, तो हाइड्रा के लिए सामने से भी दिक्कत है और पीछे से आईएसओ का भी फ्लैंक आ रहा है एंड ओवियस यहां पे ग्रेनेड्स फेंक रहे ओके क्या नेड था एक फिनिश हुआ और गॉड किल वहां पे नॉक डाउन हुआ है इवन ये वाला नेड भी वहां पे लगा हुआ है उसको और डैमेज हुआ है उससे, खत्म कर दिया गाइस सोलो वेस ने यहां पे। तो हाइड्रा ड्रेगर ने यहां पे ओआरबी नियो को फिनिश करा, ड्रेगर की 1 एचपी है एंड उसको हील करना पड़ेगा, तीन प्लेयर आईएसओ के भी ऊपर चढ़ रहे हैं वहां से पीछे से। सो लास्ट तीन टीम बची है, सोल के 4 प्लेयर है, आईएसओ के 3 प्लेयर हमने पहले देखे थे, अब देखना होगा कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सर्कल तो उनके पास है, वीएसएस चला रहा है शायद कोई निंजा और भी नियो चला रहा है शायद नियो या तो फिर ड्रेगर ओके हील नहीं करा निंजा ने, ड्रेगर चला रहा है मेरे ख्याल से, फिर से निंजा को पड़े वहां पे डैमेज जोन उसका ग्रेनेड का डैमेज पड़ रहा है उसको। निंजा ने खुद के टीममेट को हील नहीं करा तो वहां पे और वो खत्म हो चुका है। सो गाइस यहां पे 3 टीम बची है, 4v2v1 फाइट है और निंजा शायद यहां नेड आया है ओके स्मोक है ये नेड नहीं है गाइस एंड यहां पे सोल के सामने है आईएसओ निंजा एंड अब यहां पे देखना होगा कि हाइड्रा का जो प्लेयर बचा है वो यहां पे क्या करता है कैसे फाइट लेता है। दो प्लेयर बचे हैं बस निंजा और अलादीन, अलादीन को नॉक डाउन कर रहा है वहां पे वाइपर ने राइट हैंड साइड से, उसको तो रेव नहीं मिल सकता, ड्रेगर अकेला बचा हुआ उसने पैन निकाल दिया है उस पर गिल्ट है, निंजा अकेला बचा हुआ पूरा स्क्वाड रश करेगा सोल के ऊपर यहां पे कर रहा है बट रौनक पीछे कवर में है। नाइस ग्रेनेड बाय सोल मॉर्टल एंड ही गॉट दैट फाइनल किल ऑफ आईएसओ निंजा। 1v4 की टीम रश कर रही है, उनको पता है यहां पे हाइड्रा ट्रिगर बैठा हुआ है, आज के चारों मैच में हाइड्रा की टीम बढ़िया खेली है। सोल की टीम लास्ट गेम में सबसे पहले